अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनावला। आज हम मैथमेटिक 113 में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें है टेंजेंट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। अब हमने ये बताना है कि ये जो साइड सारी है ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, टेक द लेफ्ट हैंड साइड, हम लेंगे टेंजेंट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन प्लस टेंजेंट थीटा सेक थीटा प्लस वन। ये थोड़ा लेंथी है तो इसको हमने थोड़ा लेंथी के हिसाब से किया हुआ है, जैसे कि मतलब कि टेंजेंट थीटा है तो पहले ऊपर वाले पोर्शन को कंसिडर किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट इसके बराबर है। अब ये जो निशानी है ये थोड़ा एहतियात करना पड़ता है कि ये अब कहाँ कहाँ पर है और ये जो टेंजेंट की वजह से ये अपान बन रहा है ये कहाँ कहाँ पर है। एक तो पहले वाली चीज़ें ये गिवन, और दूसरा जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये कितने मतलब के एक दूसरे के अपान वगैरह में आ रहे हैं, ठीक है, डबल अपान ट्रिपल अपान, तो उसको हम कंसिडर अच्छे तरीके से हमने ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो पहले तो टेंजेंट हमें मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने सेम रखा, और ये देखें सेक थीटा जो है वो हमारा बराबर होता है वन अपॉन कॉस के, उसके बाद माइनस वन हमने सेम रखा, ये माइनस वन, और ये वन अपॉन वन मैंने खुद दिया हुआ है ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें, नहीं तो ये सिर्फ वन है। वन अपॉन वन हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर वन को वन डिवाइड करेगा तो वन ही रहेगा, लेकिन अपान में मैंने वन क्यों दिया हुआ, क्योंकि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे वन कॉस का। इसी तरीके से प्लस ये सेम रखेंगे, टेंजेंट वैसे हमारा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के, और ये जो अपान वाली निशानी है वो फिलहाल सेम है, और इसी तरह से सेक थीटा वो बराबर होता है वन अपान कॉस के और प्लस वन अपान वन। यहाँ पर सिर्फ माइनस था और यहाँ पर प्लस था, ये फर्क आया है, बाकी सारी चीजें इधर भी की हुई है इधर भी वही चीज की हुई है। उसके बाद क्या करेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम, और ये निशानी जो है मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया तो ये मिला वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेम रखेंगे, ये भी सेम ही लड़ी है, सिर्फ फर्क ये है कि ये वन माइनस कॉस थीटा हो गया और ये वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस निशानी को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो ये जो नीचे वाले हैं, ठीक है, तो कॉस ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस नीचे, कॉस कॉस ने कैंसिल कर दिया तो ये बच जाएगा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। इसी में बिल्कुल इसी तरह है, प्लस के बाद भी ये सेम चीज है, मतलब कि इस निशानी को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये कॉस ऊपर चला गया, वन प्लस कॉस थीटा ये नीचे आ गया, कॉस कॉस ने कैंसिल कर दिया तो ये बच गया साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। सेम चीज होती आ रही है, प्लस से पहले भी प्लस के बाद भी, फर्क सिर्फ माइनस का ही आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए वन माइनस कॉस थीटा और ये वन प्लस कॉस थीटा, क्या करेंगे ये हमारे होंगे एलसीएम, क्या होंगे हमारे ये हमारे होंगे एलसीएम। एलसीएम देखिए ये माइनस का कॉस थीटा है और ये प्लस का है, तो ये जो मतलब वन प्लस कॉस थीटा ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, और ये वन माइनस कॉस थीटा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले साइन के साथ। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पहले ये दोनों आपस में नीचे हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, ठीक है, ये दोनों मतलब वन माइनस कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई में रखेंगे, वन प्लस कॉस थीटा भी आपस में मल्टीप्लाई रखेंगे। उसके बाद वन प्लस कॉस थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद ये प्लस सेम रखेंगे। अब इस साइन थीटा के साथ ये माइनस वाला भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब फर्क क्या है ये देखें, एक प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा है, दूसरा ये देखें माइनस का साइन थीटा कॉस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, और उसके बाद ये देखें प्लस का साइन थीटा और ये भी प्लस का साइन थीटा, ये कितने हो गए प्लस के दो साइन थीटा हो गए, ये आपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं, ये हमारे हो गए जनाब
ये हमारे हो गए 2 sin थीटा। अब जैसे कि जब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 1 के साथ, तो ये 1 स्क्वायर वैसे ही 1 रहेगा, माइनस प्लस माइनस कॉस कॉस के साथ तो ये कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिला। दोनों ब्रैकेट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया मिला हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है ये? साइन स्क्वायर थीटा के। ये इधर थोड़ा कट गया, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये देखें साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन साइन स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये 2 हम सेम रखते आ रहे हैं। ये देखें साइन स्क्वायर है, ये सिर्फ साइन है, तो साइन का साइन स्क्वायर के ऊपर 1 अपॉन साइन मरतबा पड़ा जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन हमारा बराबर होता है, 1 अपॉन साइन बराबर होता है हमारा, 1 अपॉन साइन हमारा बराबर होता है कोसेक के। तो ये जो 2 है ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? 2 कोसेक थीटा। ये हो जाएगा हमारा क्या? 2 कोसेक थीटा। अब ये 2 कोसेक थीटा को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये देखें कि अगर हम 21वें सवाल की जो लेफ्ट हैंड साइड है हल कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है? मिल हमें ये रहा है 2 कोसेक थीटा, और इसकी राइट हैंड साइड भी क्या है? 2 कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया, ये सारा जब हमने इनके एलसीएम वगैरह लिए, एलसीएम के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई में रिवर्स किया, तो उसके बाद जो चीज हमें समराइज्ड मिली वो क्या मिली? 2 कोसेक थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ये निकला, तो ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हवाला देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये स्क्रीन थोड़ा कम पड़ रही है इस सवाल के लिए, तो मैं इसको आपको थोड़ा स्क्रीन, ये देखें 2 कोसेक थीटा हमारा बराबर हो जाएगा किसके? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा स्क्रीन को ऐसे करता हूँ, ये चीजें भी ध्यान में रखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 अपॉन साइन बराबर होता है कोसेक के। जैसे कि ये स्क्रीन थोड़ी मतलब कि ये कम है, इसीलिए थोड़ा मैं स्क्रीन को मूव करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पेज जो है इस स्क्रीन से बड़ा है, पिछले वाले जो भी पेजेस थे कम थे और ये थोड़ा बड़ा पेज है इसीलिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब इस सवाल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि ये 21 क्वेश्चन नंबर था, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में जो टेंजेंट बराबर था साइन और कॉस के, फिर ये कोसेक हमारा बराबर था 1 अपॉन कॉस के। ये देखिए सेम चीज है, सिर्फ इस प्लस और माइनस का चक्कर है, ठीक है। तो पहले तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको रिवर्स किया तो कॉस कॉस को कैंसिल हो गया, तो ये कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस कॉस आया, और इसमें सिर्फ प्लस का फर्क था, तो ये हमारा क्या आया? साइन ओवर 1 प्लस कॉस। अब ये 1 माइनस कॉस है और ये 1 प्लस कॉस है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस कॉस और ब्रैकेट 1 प्लस कॉस। अब ये 1 प्लस कॉस जो है इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 माइनस कॉस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस साइन के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये मिलेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब जैसे कि ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जनाब हम क्या करेंगे कि ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा 2 sin थीटा, और ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा upon 1 minus cos स्क्वायर। 1 minus cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब जैसे साइन साइन को कैंसिल कर देगा तो बाकी नीचे बचेगा 1 upon sin थीटा, और ये 1 upon sin थीटा बराबर ही होता है cos 1 sin थीटा के। तो ये 2 तो वैसे पहले आ गया था, तो ये हो गया 2 cos 1 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर।
अब इससे रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बिलाझिझक पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।